हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे नान खटाई IFB के माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे। हमने माइक्रोवेव की ट्रे में ये नान खटाई की बॉल्स बनाकर रख दिए। अब हम इसे माइक्रोवेव में बेक करेंगे। सबसे पहले हम प्रीहीट करेंगे माइक्रोवेव को। कन्वेक्शन प्रेस करेंगे, 180 डिग्री सेल्सियस दबाएंगे। दबा दिया हमने, देखिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। 10 मिनट दबा दिया, अब स्टार्ट दबाएंगे। अब हम माइक्रोवेव की ट्रे को ओवन में रख देंगे, देखिए। अब हमने इसको रख दिया, अच्छे से सेट कर दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप इसे बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। मार्केट्स को भी फेल है ये इसको बनाने के बाद। देखिए, अब हमने कन्वेक्शन मोड पर लगाएंगे। कन्वेक्शन मोड प्रेस करा 180 डिग्री पर, देखिए 180 डिग्री हो गया। अब हम 20 मिनट सेट करेंगे, देन हम स्टार्ट बटन दबाएंगे और बीच में एक बार 15 मिनट पर चेक कर लेंगे नान खटाई, कभी नान खटाई जल ना जाए। देखिए नान खटाई रेडी है, कितनी सुंदर लग रही है। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इस ट्रे को किसी नैपकिन या टॉवल की मदद से निकालेंगे ताकि हमारा हाथ ना जले। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, आप ही ट्राई कीजिएगा। अब हमें पिज़्ज़ा बनाना है विद बेस, तो हम इसे पहले कन्वेक्शन मोड पर 200 सेल्सियस पर लाएंगे। देखिए प्रेस किया, देखिए अब हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया इसे। देखिए अब ये जैसे ये डायरेक्ट चलने लग गया, फिर इसमें एकदम से बिप बिप आएगी, आवाज़ आएगी, एक साउंड आएगी, तो इसका मतलब 2 मिनट प्रीहीट हो गया ये अगर। देखिए इसमें बिप बिप की आवाज़ आई है। दोस्तों बहुत ही धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए, अगर आपको इसको ऑपरेट करने में कोई दिक्कत आती है माइक्रोवेव को, तो आप कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।